आप सभी ग्रेट लीडर्स को नमस्कार। आज आपसे बात करने वाला हूं पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में, नियति की शक्ति के बारे में। दोस्तों, जीवन को डिजाइन करने में, हम सभी के जीवन को डिजाइन करने में इंटेंशन का क्या महत्व होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जिस ब्रह्मांड का हम हिस्सा हैं, जिस यूनिवर्स का हम हिस्सा हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एनर्जी का ही एक स्वरूप है। जहां पर हम रहते हैं, ये ग्रह एक सौरमंडल का हिस्सा है, ये सौरमंडल गैलेक्सी का हिस्सा है, और ऐसे सौरमंडल एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस की तादाद में है, और इस तरह की गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में बिलियंस हैं, बिलियंस की तादाद में है। और इतने बड़े स्वरूप वाले ब्रह्मांड को कोई ना कोई ऐसी पावर है जो एक एनर्जी के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में कनेक्ट करके रखी हुई है। वही सूक्ष्म पावर, वही एटॉमिक पावर, वही सुप्रीम पावर हर आकाश गंगा में, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के अंदर, हर गैलेक्सी के अंदर, सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह के अंदर, हर जीव में, हर जंतु में, हर कण में, हर रणज में, हर जगह वो सूक्ष्म ताकत मौजूद है, जिसको हम यूनिवर्सल पावर या सुप्रीम पावर बोलते हैं। पूरा ब्रह्मांड उसी पावर से आपस में कनेक्टेड है। यूं तो यूनिवर्स में बेशुमार ताकतें हैं, अनगिनत एनर्जी के सोर्सेज हैं, लेकिन जो भी इस एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट कर लेता है अपने आप को, वो अपने जीवन के हर पहलू में तरक्की करता है, तरक्की पाता है। हम पाते हैं कि यूनिवर्स की हर किसी चीज के प्रति कोई ना कोई इंटेंशन होती है। बिना इंटेंशन के इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कुछ भी चीज नहीं है। जैसे आप देखेंगे आकाश गंगा, नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह, हर चीज के लिए कोई ना कोई इंटेंशन है। इनका निर्माण किसी इंटेंशन के साथ किया गया है। सूर्य का निर्माण पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने के लिए, चंद्रमा का निर्माण पूरे ग्रह को अपनी अद्भुत रोशनी देने के लिए, इस प्रकृति का निर्माण सभी जीव जंतुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और समुद्र का निर्माण, नदियों का निर्माण, जलवायु का, पहाड़ का, पर्वत का, जीव जंतुओं का, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, इवन एक मच्छर तक का, मॉस्किटो तक का, हर प्रकार के जीव जंतुओं का किसी खास इंटेंशन के साथ ही निर्माण हुआ है। हर प्रकृति का सोर्स छोटे से बड़ा अपने आप में अहमियत रखता है। इंटेंशन का हमारे जीवन को डिजाइन करने में क्या महत्व है, क्या रोल है इंटेंशन का? इस जहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को 7 सितारा जिंदगी में डिजाइन करना चाहता है। जी हां, वो कौन से हैं 7 सितारे? जीवन सहज हो, सरल हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, सफल हो, संपन्न हो और सार्थक हो। इस तरह से 7 सितारा भरी जिंदगी हो। हर व्यक्ति तो अपने जीवन में ऐसी तमन्ना रखता है। यूं तो उम्र के साथ साथ आदमी का हमारा अनुभव बढ़ता है, लेकिन हर किसी की मंशा होती है अनुभव बढ़ने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी बढ़े, मन और आनंद और उत्साह भी बढ़े, प्रचुर मात्रा में धन भी बढ़े, घर में सुख समृद्धि बल भी बढ़े, उसके मन में आत्मविश्वास भी बढ़े, विल पावर भी बढ़े,
साहस भी बढ़े, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़े, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़े। लेकिन इन सभी का चाहना और होना ये इंटेंशन पर डिपेंड करता है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन इंटेंशन के साथ होता है। एक कृष्णा नाम का सीधा साधा सा व्यापारी था, बहुत ही मेहनती था और आचरण से बहुत सीधा था। किराने की दुकान या कह सकते हैं अनाज की दुकान करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक संत पधारे, उन्होंने अनाज की इच्छा जाहिर की अनाज खरीदने की। तो संत को उस व्यापारी कृष्णा के साथ बातचीत करने के बाद एहसास हुआ कि ये जो व्यापारी है वो बाकी आजकल के व्यापारियों की तरह चंट चालाक नहीं है, बहुत ही सीधा साधा है। उसके आचरण से, उसके व्यवहार से वो संत बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद संत ने बोला, कृष्णा मुझे बताओ तुम्हारा गुरु कौन है, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा स्वभाव है, जिस तरह का तुम्हारा आचरण है, तो जरूर तुम किसी समर्थ गुरु के शिष्य हो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा कोई ना कोई समर्थ गुरु ना हो। संत की बात सुनने के बाद कृष्णा ने उत्तर दिया कि बाबा मेरा गुरु मेरा यही व्यापार है, उसने इशारा किया अपनी दुकान की ओर, यही मेरा गुरु है। और उसने एक तराजू हाथ में लेकर के दिखाया। संत बोले, मैं समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाओ। तो तराजू को उसने हाथ में पकड़ रखा था और इशारा किया कि दोनों पल्लों के बीच में एक पॉइंटर नुकीले हिस्से की ओर इशारा किया और बोले, मेरा गुरु है यही और मेरा ध्यान हमेशा यहीं पर रहता है। बाबा जी, मैं जब भी भजन तोलता हूं तो एक पल्ले में कुछ मैं बांट रखता हूं और दूसरे पल्ले में मैं अनाज रखता हूं। जब ये कांटा सीधा होता है तो इसका मतलब भजन बिल्कुल ठीक ठाक तुला है। जब पॉइंटर सीधा होता है तो इधर या उधर होता है तो इसका मतलब भजन में कोई ना कोई हेरा फेरी है या भजन ठीक नहीं तुला है या तौली जाने वाली वस्तुएं अभी ठीक से नहीं तुली हैं। तो मैं हमेशा इस पॉइंटर की ओर ध्यान देता हूं, जो कि पॉइंटर हमेशा ऊपर की ओर होता है। जब पॉइंटर ऊपर स्ट्रेट ठीक होता है तो सभी चीजें ठीक तुली होती हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं भी अपना ध्यान ऊपर की ओर रखता हूं, ईश्वर की ओर। ईश्वर की ओर ध्यान रखने से मुझे लगता है कि सब कुछ जीवन में ठीक है और उन्हीं की ओर इशारा रख करके मैं अपने इस व्यापार को करता हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर ही मेरे दरवाजे पर ग्राहक का रूप धरकर आता है, इसलिए हर ग्राहक में मैं ईश्वर का रूप देखता हूं। तो मैं उनके साथ छल कैसे कर सकता हूं। संत बोले, वो तो ठीक है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, दिनचर्या बताओ। तो कृष्णा बोले कि मैं सुबह घर से तैयार होता हूं, तैयार होने के बाद अपनी दुकान पर आता हूं और दुकान पर आने के बाद दरवाजे के पीछे यहीं पर एक छोटा सा दीवार पर मंदिर लगा हुआ था, उस मंदिर पर ईश्वर के दर्शन करता हूं और आने के बाद दुकान को उनको सौंप देता हूं और मैं बताता हूं कि आप ही हो इस दुकान के मालिक, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूं या मैं तो नौकर हूं। आप मालिक हो, मैं आ गया हूं आपकी नौकरी करने के लिए, अपनी दुकान को आप संभालो। वो मालिक हैं तो वो अपनी दुकान का ध्यान रखें। तो मेरा ध्यान वहीं रहता है, ईश्वर की ओर। संत बोले, फिर मुनाफे का क्या करते हो जब वो मालिक हैं तो? मुनाफा सारा मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता, मैं अपना खर्चा निकालता हूं, जो बचता है उसे जरूरतमंदों की मदद के लिए लगा देता हूं। मैं मुनाफा नहीं कमाता, मैं तो अच्छे कर्म कमाता हूं। ध्यान रखता हूं कि मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए और मैं हमेशा ही प्रसन्न रहता हूं।
जब मैं इस दुकान का मालिक अपने को समझता था तो हमेशा चिंता में रहता था। उनकी इस बात को सुनकर के संत और ज्यादा प्रभावित हुए। प्रत्यक्ष में तो संत ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन में संत ने कृष्णा को प्रणाम भी किया। तो इससे क्या इस उदाहरण से समझ में आता है, कृष्णा का जो इंटेंशन था ग्राहकों के प्रति, तो उन्होंने बताया कि मैं हर एक के अंदर ईश्वर के दर्शन करता हूं। इंटेंशन बहुत अच्छा था। नियति जैसी होती है बरकत भी ऐसी ही होती है। आइए अब हम अपने जीवन से इसको जोड़ के देखते हैं। जब हम किसी काम को अच्छी नियति के साथ करते हैं तो हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, वो एनर्जी इस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होती है। और जिस नियति के साथ कोई काम करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में पुनः लौट करके वापस आती है, और उसका परिणाम उसी नियति के हिसाब से हमको मिलता है, रिटर्न होता है। हमारे बिजनेस में भी ये जरूरी है। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी जगह, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड इससे प्रभावित होता है। तो हमारे बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, चार चांद लगाने के लिए हमारे बिजनेस में, एक ड्रीम टीम बनाने के लिए, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, फ्रेशर से सिल्वर गोल्ड पर्ल बनने के लिए, टारगेट क्वालिफाई करने के लिए, प्रीमियम कार अचीव करने के लिए, फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए, बड़े अचीवमेंट लेने के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए भी एक प्रत्येक लीडर के अंदर एक ड्रीम टीम बनाने के लिए भी ये इंटेंशन बहुत मैटर करता है। शुरुआत कैसे करते हैं हमारे बिजनेस में भी, हर स्टेप पर इसका क्या महत्व है। उदाहरणतः किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने डायमंड बनने का निर्णय लिया, तो आपकी नियति अच्छी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, परिवार के लिए खुशियां लाना चाहते हैं। अब आप शुरुआत करते हैं, आपने किसी को प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाते समय आपकी नियति क्या है, अपना चेक निकालने की, अपनी राइट को पूरा करने की, या सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी जिंदगी बदलने की। उसको प्रेजेंटेशन देते समय अगर आपकी नियति सिर्फ अपनी लेग पूरा करने की है, एक नियति ये होती है, एक मैं सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं तो मैं इसकी जिंदगी बदलने का मौका इनको देने जा रहा हूं, एक नियति ये होती है। दोनों में अंतर है कि नहीं? आप एक व्यक्ति से मिलते हो, कॉन्टेक्ट करते हो और उसको ज्वाइन कराते हो अपना चेक के लिए, दूसरा व्यक्ति भी कॉन्टेक्ट करता है और प्रेजेंटेशन देता है उस व्यक्ति को चेक दिलाने के लिए, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों में अंतर है कि नहीं? आप अपने बिजनेस में एफर्ट डालते हो, मीटिंग्स करते हैं, टाइम निकालते हो, कोर ट्रेनिंग करते हो, एक्टिविटीज में जाते हो, सीखते हो, बुक्स पढ़ते हो, लेग चलाने के लिए, अपने बिजनेस को लेग चलाने के लिए, एक व्यक्ति। और एक व्यक्ति है कि जो हमारे साथ में काम करने वाला लीडर है, मैं अपना समय, अपनी एफर्ट, अपनी ऊर्जा उसकी लेग चलाने के लिए लगाता हूं। दोनों में अंतर है कि नहीं? हालांकि मैं जो भी कर रहा हूं अप्रत्यक्ष रूप से मैं अपने लिए ही कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से मेरा भाव क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, ये बहुत मायने रखता है। मैंने 17 सालों की प्रैक्टिस के दौरान इस बिजनेस में बहुत कुछ अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला, कुछ खट्टा भी, कुछ मीठा भी, कुछ अच्छा भी, कुछ कम अच्छा भी। हर तरह के लोगों के साथ काम करके देखा, बहुत सारे अनुभव हुए। बहुत सारे लोग हैं जो काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, काफी समय से बिजनेस करने के बावजूद 5 साल 6 साल 7 साल 4 साल 8 साल उतने सम्मान, उतने ज्यादा एडिफिकेशन, उतने बड़े लेवल के अधिकारी नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टीम तो बनाई
लेकिन टीम में उतना सम्मान या उतना बड़ा लेवल के अधिकारी नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं काम करते हैं, काम करने के बावजूद भी उतना बड़ा बिजनेस या ड्रीम टीम नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति था अपने घर के अंदर टहल रहा था और अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई तो इधर उधर देखने लगा, हड़बड़ाहट में उसके हाथ से उसके कार की गिर गई। तो वो अंधेरे में कार की को ढूंढने का प्रयास किया, तभी ध्यान आया, खिड़की में से देखा कि बाहर पे स्ट्रीट रोड पे जो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, वो जल रही थी। उसने सोचा कि यहाँ अंधेरे में कमरे में की ढूंढने से क्या फ़ायदा, घर से बाहर निकल के जाता है और स्ट्रीट लाइट पे जैसे ही जाता है उसे की का याद आता है और वहाँ पर वो कार की ढूंढना शुरू कर देता है। तभी पड़ोसी निकल के आता है, उसने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरी कार की खो गई है, वो ढूंढ रहा। थोड़ी देर तक दोनों भाई ढूंढते रहे। पड़ोसी ने पूछा आपको याद है यहीं पर कार की खोई थी, उसने बोला कि नहीं वो तो घर के अंदर खोई थी। फिर बोला आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं, वो घर के अंदर ढूंढने से क्या फायदा, वहां तो अंधेरा है, मैंने सोचा लाइट यहां पर है तो यहीं ढूंढ लेता हूं। देखिए मुश्किल या परेशानी होती है कहीं और, अंदर अपने अंदर, और ढूंढते हैं बाहर। करेक्शन की जरूरत होती है अपने अंदर और करेक्शन करते हैं दूसरों के अंदर, या ढूंढते रहते हैं कि दूसरों के अंदर, और जरूरत होती है करेक्शन की अपने अंदर। तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत हमारे अंदर है। एक डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, उसे हेल्थ का कोई इश्यू था, डॉक्टर साहब को बताता है, डॉक्टर ने चेक किया, चेकअप करने के बाद में प्रिस्क्रिप्शन लिखा और बताया आपको ये लेना है, ये देखना है। देखने के बाद में डॉक्टर ने उनको फ्री कर दिया। व्यक्ति बोला कि मेरे को वो पर्चा तो दो, प्रिस्क्रिप्शन तो जो दिया आपने वो तो दो। तो डॉक्टर बोले नहीं वो आपके लिए नहीं है, वो आपके भाई को केयर करना है, ससुर को परहेज रखना है, पिताजी को टैबलेट लेनी है और पत्नी को ये करना है। तो प्रॉब्लम जिसको है परहेज भी उसी को करना है, ये समझने की जरूरत रहती है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो डिटरमाइन होके काम कर रहा हूँ, दृढ़ निश्चय के साथ, मैं तो बहुत मेहनती हूँ, लीडरशिप मेरे अंदर बहुत अच्छी है, बहुत कमिटेड हूँ, अच्छा वक्ता हूँ, समर्पण के साथ काम करता हूँ, टीम की केयर करता हूँ, कोर हूँ, बहुत अच्छा लीडर हूँ, सिटी होस्ट हूँ, सभी टूल्स का यूज़ करता हूँ, 100% यूजर हूँ, लीडरशिप की सारी क्वालिटियाँ हैं। हाँ लीडरशिप की सारी क्वालिटियाँ हैं, हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, पैशन है, प्रिपरेशन करते हो, जबरदस्त लीडर हो, इन सब ये फिजिकल चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं। इन सब के अलावा एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो इंटरनल होती है, वो है आपका इंटेंशन, आपकी नियति, जो ब्रह्मांड की शक्ति से अटैच होती है, कनेक्ट होती है। एक बार एक व्यापारी के घर 7 संत पधारे। संतों को भोजन कराने की दृष्टि से व्यापारी ने अपने नौकरों को बताया कि भोजन की व्यवस्था करो, खीर पूड़ी बनानी है। खीर पूड़ी बनाने के लिए दूध की आवश्यकता थी। नौकर गांव में जाने लगा, गांव से कस्बे की तरफ दूध लाने के लिए। कस्बे की ओर गया तो दूध लौटते समय दूध लेकर के और आराम करने के मकसद से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा थका हुआ था तो बहुत जल्दी उसकी आंख लग गई। उसी पेड़ के ऊपर एक चील मुंह में सांप दबाए हुए बैठी थी। उस सांप के मुंह से विष टपक करके दो बूंदें थी वो दूध की बाल्टी में चली गई। नौकर जगा, उसे तो एहसास ही नहीं था, दूध लेके आ गया, घर आया, दावत हुई, खीर पूड़ी बनी। तत्काल उस भोजन को करने से 4 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, बाकी की
शारीरिक हालत खराब हो गई, हड़कंप मच गया। यमराज तक बात पहुंची। यमराज को समझ में नहीं आया कि ये किसके खाते में डालूं, ये जो पाप हुआ है, अचानक ये मृत्यु हुई है और बिना मृत्यु के ये लोग आए हुए हैं अनायासी, तो किसके खाते में डालें? व्यापारी के खाते में डालें? लेकिन नहीं, उसकी तो नियति अच्छी थी, भोजन कराने की थी ब्राह्मणों को, फिर किसके खाते में डालें? नौकर के में? तो नौकर के में भी नहीं, क्योंकि उसे तो ज्ञान ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, अनजान था। तो किसके खाते में डालें? चील के में? उसके थ्रू हुआ, चील तो अपना भोजन कर रही थी। सांप के में? सांप तो बेचारा खुद ही भोजन बना हुआ था, फिर किसके खाते में डालो? तो यमराज बोले, एक काम करो, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसकी नियति ठीक नहीं है, जिसका इंटेंशन सही नहीं है, और उसी के खाते में लिख दो। इस डिवाइन पावर ने, इस यूनिवर्सल पावर ने आपको टीम लीडर के रूप में चुना है, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन टीम लीडर के रूप में हमारा रोल, हमारा जो रोल है वो वैसा हो जैसा माँ का होता है बच्चों की परवरिश के दौरान। किसी ने खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, यदि मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। इसलिए इस बिजनेस को एक अच्छे इंटेंशन के साथ, साफ सुथरे इंटेंशन के साथ काम करना है, टीम बनानी है। वो टीम हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए हमारी प्रॉपर्टी, हमारी कार, हमारी ज्वेलरी, ये सब एसेट तो हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर भी एक और एसेट है, वो है हमारी टीम। उस टीम को अपनी इमोशंस से तो आप बनाते हैं, इमोशंस से सींचते हैं। शुरुआत में कोई व्यक्ति जब आता है, फ्रेशर सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज होता है, बढ़िया इमोशंस के साथ काम करता है। जैसे जैसे टीम बनना शुरू हो जाती है, बनती है, बहुत सारे लोग अच्छी इंटेंशन के साथ में यहीं से तुरंत रूबी, एमराल्ड, डायमंड बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर तक जाते हैं। कुछ लोग इंटेंशन के कारण पिछड़ते चले जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपको अधिकार मिला है तो उसके लिए धन्यवाद का पात्र होना चाहिए। जब हम काम करते हैं, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस मीटिंग के पीछे मकसद क्या है? जब कोई कोर ट्रेनिंग करते हो तो उसके पीछे मकसद क्या है? जब कोई वेन्यू ऑपरेट करते हो तो मकसद क्या है? जब किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो मकसद क्या है? सिर्फ साइनअप करने का तो नहीं है। जब कोई फंक्शन करते हो, सक्सेस प्रूफ सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, तो उसके पीछे इंटेंशन, इंटेंशन वो क्या है? जब कोई काम करते हो, दिशा वर्कशॉप करते हो, तो उसके पीछे मकसद क्या है? ये बिजनेस इंटेंशन का है। कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, लोगों से मिलो, जो करना है करो, इंटेंशन बहुत मायने रखती है। वो इंटेंशन किसी को दिखाई नहीं देगी, अपलाइन को नहीं, डाउनलाइन को नहीं, लेकिन इस यूनिवर्स को पता चलता है। आप काम करना शुरू करते हो, एक आईडी पर चेक, दूसरी आईडी पर चेक, तीसरी पर भी मेरे नाम से चेक आना चाहिए, फैमिली के नाम से चेक आना चाहिए, तीन आईडी पर चेक। लेकिन काम कितने लोग करते हैं? तीन आईडी पर चेक तो लेते हैं क्या, लेकिन तीन लोग काम कर रहे हैं? काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, चेक तीन जगह ले रहे हैं, क्या डिजर्व करते हैं? क्योंकि ऊपर वाली शक्ति वो चेक करती है, देखती है सारी चीजों को। तो मैं एक अगर काम कर रहा हूं तो मैं एक ही आईडी पर चेक लेने का हकदारी हूं, बाकी जो मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं वो मेरी टीम का हक उन पर बनता है। अगर मैं दो एक्स्ट्रा जगह चेक ले रहा हूं तो मैं किसी और दो लीडर्स का हक ले रहा हूं। एक्स्ट्रा मेरे अंदर एफर्ट है, एफर्ट्स डालना मैं चाहता हूं, तो टीम के हित के लिए मैं डालूं। कई लोग बोलते हैं कि हम सेल्स में हैं, सेल्स के धंधे में हैं, और यहां पर तो सेल्समैन के अंदर इतनी टेक्निक डेवलप होनी चाहिए, इतनी ट्रेनिंग डेवलप करनी है, अपने आप को इतना डेवलप करना है कि गंजे को भी कंघी बेच के आ जाए। कुछ लोग ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, हम मिट्टी को भी बेच दें, हम गंजे को कंघी बेच दें,
नहीं, गंजे को कंघी तो बेच के आ जाओगे, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है वो इंटेंशन साफ समझ में आता है। जिनकी ऐसी सोच होती है, हमें गंजे को कंघी नहीं बेचनी, जिनको कंघी की आवश्यकता है उन्हीं को बेचनी है। एक व्यक्ति को आप एक बार बोल के, दो बार बोल के, तीन बार बोल के मूर्ख बना सकते हो, लेकिन इस प्रकृति को, ब्रह्मांड को कैसे बना सकते हो? तो हम बहुत ही साफ सुथरी नियत के साथ, 3 कार्डिनल रूल के साथ इस बिजनेस को हमें करना है, एथिक्स के साथ एक ड्रीम टीम बनाने के ख्वाब को पाल करके काम करना है। दो दोस्त थे, एक हॉस्टल में साथ में रहते थे। एक दिन रात को महसूस हुआ एक मित्र को कि उसे सोते समय ठंड लग रही है, और उसने देखा कि पास वाले बिस्तर में दूसरा उसका मित्र है, वो मुंह खोल के सो रहा है। उसे एहसास हुआ कि शायद यहीं से ठंड मुझे लग रही है। अगले दिन डॉक्टर के पास लेके गया और बोला कि डॉक्टर साहब, इसको चेक करो, ये रात में फ्रीज बन जाता है और ठंड मुझे लगती है, चेक करो इसको। डॉक्टर साहब ने चेक किया, 1-2 मेडिसिन थी, और बोला जाओ कोई बात नहीं, नॉर्मल है, चले जाओ, खा लेना, ठीक हो जाओगे। अगली रात को फिर से ठंड लगी। अगले दिन उसको फिर से डॉक्टर के पास लेके गया और बोला डॉक्टर साहब, अभी भी ठीक नहीं हुआ, ये रात को फिर फ्रिज बन गया, मुझे ठंड फिर लगी, चेक करो, इसको दवाई दो। डॉक्टर ने फिर दे दी, बोला कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। तीसरे दिन फिर उसको ठंड लगी रात में, और डॉक्टर के पास फिर पहुंच गया। डॉक्टर ने इस बार बोला कि जिसको प्रॉब्लम ये तो कुछ कहता नहीं है, एक काम करो, आप चेक कराओ मुझे। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया तो पता चला उसी को बुखार था। बोला दवाई की इनको जो नहीं, आपको जरूरत है, बुखार आपको आके रखा हुआ है। तो हुआ क्या था, एक्चुअल में इस बंदे को बुखार था, और बुखार के कारण इसको ठंड लगती थी, और मुंह खोल के सोता था इसका मित्र, तो इसको एहसास होता था कि वो मुंह खोल के सोता है और रात को फ्रिज बन जाता है और मुझे ठंडी लगाता है। तो जरूरत किसको थी इंप्रूवमेंट की, मित्र को या खुद को? इनको खुद को आवश्यकता थी। ऊपर वाला सर दे के सरदारी देता है, तो जो ऊपर वाले ने हमारा सर देखा है और उसको देख करके सरदारी दी है, उसका सम्मान रखना है, सम्मान रखना भी चाहिए, नहीं तो उनकी सरदारी छिन जाती है। इसीलिए जब हमें टीम बनाने का मौका मिला है तो उसका सम्मान रखना है, टीम के साथ ट्रांसपेरेंट होकर काम करना है, उनके साथ मिलके काम करना है, उनके साथ उनका ख्याल रखते हुए काम करना है, उनको बनाने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि एक माँ को जन्म देने का अधिकार तो होता है, लेकिन उसको मिटाने का अधिकार नहीं होता है। कुमार को एक बर्तन को बना करके, सुखा करके, तपा करने का अधिकार होता है, खुद उसे तोड़ने का अधिकार नहीं होता है। ठीक इसी तरह किसी भी अपलायन को, किसी भी लीडर को, टीम को आगे बढ़ाने का अधिकार होता है, उसको मिसयूज करने का अधिकार नहीं होता है। हमेशा अच्छे पे फोकस करना है, हमेशा अच्छे पे ध्यान रखना है। मैं भी अनजाने में, मेरे साथ ये हुआ, अच्छा हुआ, मैं एक ऐसे अपलायन के संपर्क में आया जो आध्यात्मिक थे, डिवाइन एनर्जी में, कॉस्मिक एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में शुरू से उनका बिलीव था। उनके ऑरा में रहने का मुझे मौका मिला। जी हाँ, ऑरा हमारे शरीर के चारों ओर हमारी एनर्जी का एक चक्र बन जाता है। वो हमारी एनर्जी का जो ऑरा है, एनर्जी का एक चक्र है, वो हमारे कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर होंगी, हमारी इंटेंशन अच्छी होगी, हम डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होंगे, तो हमारी ऊर्जा का ये ऑरा उतना ही ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। आपने देखा होगा जो बड़े संत होते हैं, जो डिवाइन पर्सन होते हैं, तो उन लोगों के संपर्क में आने से पहले ही हम बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी का जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा विशाल होता है। उस ऑरा के साइकिल में, चक्र में आते ही हम अपने आप को एक्साइटेड, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं। सो मैं अपने अपलायन की बात कर रहा था, तो उनके साथ काम करना शुरू किया, तो वो जो बताते थे मैं समझता था, सुनता था, सीखता था,
और हम लोगों ने मिलकर के उनके साथ जोड़ी बनाकर काम करना शुरू किया। तो उनकी नियति रहती थी अपने टीम के लोगों की केयर करना, उनको आगे बढ़ाना। तो वहीं से बातें मेरे मन में भी गईं और एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी भावना के साथ हमने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो इस डिवाइन ऊर्जा ने, इस डिविनिटी ने हमारे साथ भी उसी तरह के परिणाम दिए और इस यूनिवर्स की कृपा से आज हमारे साथ एक ड्रीम टीम है। वर्ल्ड क्लास लीडर्स आज हमारे साथ में हैं। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मुझे ऐसे वर्ल्ड क्लास लीडर्स के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला। सभी एक से एक अच्छे हैं और सभी डिवाइन ब्लेसिंग्स में बिलीव करते हैं। ये बिजनेस हमें सफल बनाने का मौका देता है, सफल बनने का। तो सफलता का मतलब सिर्फ संपत्ति नहीं होती, समय भी होता है, सम्मान भी होता है। सफलता का मतलब सिर्फ संपत्ति नहीं, सम्मान भी है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ संपत्ति को चुनते हैं, सम्मान को नहीं। जबकि सम्मान और संपत्ति दोनों मिलाकर समृद्धि बनती है, यानी सफलता बनती है। सम्मान को किस लिए नहीं? फिजिकली तो वो सम्मान चाहते हैं, अपने लिए तालियां, अपने लिए तालियों की गड़गड़ाहट, अपने लिए दूसरों के दिलों में सम्मान और बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन अपने कर्मों से, अपने इंटेंशन से वो अंदर से सम्मान नहीं चाहते। समृद्धि और सम्मान दो चीजें हैं, संपत्ति और सम्मान, इन दोनों से मिलकर बनती है समृद्धि। तो उन्होंने क्या चुनाव किया? जब भी कोई डिसीजन लेना पड़ता है, हमें हर बार डिसीजन लेना पड़ता है, हर रोज डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे दो बिजनेस लग गए, हम पार्शियलिटी ना करें। जहां पर हमें मौका मिला वहां पर ईमानदारी से काम करें और टीम में कोई कंट्रोवर्सी ना रखें, कंट्रोवर्सी ना डालें। क्योंकि हम जब भी जो भी व्यवहार करते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से बिजनेस करते हैं, तो हम हमेशा चुनाव कर रहे होते हैं। किसका? संपत्ति का, सम्मान का, यानी समृद्धि का। कुछ लोग दोनों का चुनाव करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक का चुनाव करते हैं, संपत्ति का। संपत्ति तो उनको मिलती है लेकिन सम्मान उतना नहीं मिल पाता। तो हमें समृद्धि के साथ सफल होना है, सम्मान भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें इंटेंशन का ध्यान रखना होगा कि मैं किस नियति के साथ काम कर रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी के साथ, अच्छी भावना के साथ, अच्छी नियति के साथ। और ऐसा एक पॉजिटिव ऑरा वाले व्यक्ति, एक पॉजिटिव माइंड वाले व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। जॉन और बियर्ड नाम के दो भाई थे बोस्टन में, बहुत सफल हुए, बहुत जीवन में तरक्की की, बहुत आगे बढ़े। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने उनसे सफलता का राज पूछा तो जॉन ने उत्तर दिया कि हमारी सफलता का राज सिर्फ एक ही बात है, बचपन में जो माँ हमसे एक सवाल पूछती थी, बस वो सवाल ही हमारे जीवन में सफलता का कारण बन गया। तो उन्होंने और डिटेल में पूछा, क्या है वो कारण, क्या था वो सवाल? तो उन्होंने, जॉन ने बुक लिखी लाइफ इज गुड करके, उस बुक में उन्होंने इसके बारे में लिखा था। उन्होंने बताया किस तरह से हम छोटे थे तो माँ पिता कार में थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, माँ की कुछ हड्डियां ब्रेकरेज हुई, धीमे धीमे करके वो रिपेयर हो गई, ठीक हो गई, लेकिन उस हादसे में पिता का एक हाथ चला गया। उस दिन के बाद वो चिड़चिड़े हो गए स्वभाव से, घर का माहौल बहुत खराब रहता था, अच्छा नहीं लगता था, हम लोग भी बहुत परेशान हो जाते थे, नेगेटिव एनर्जी रहती थी, कोई एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन माँ ऐसी थी, जब भी हम आते थे तो ऐसे खराब माहौल में भी हमसे एक क्वेश्चन पूछती थी कि आज दिन भर में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। स्कूल से लौट के आते थे थके निराश होते थे, लेकिन जब माँ पूछती थी दिन भर में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तो इवन अगर कोई हमें जोक सुनने के लिए मिला हमारी मैडम ने, तो हम उसे बताते थे, थोड़ी देर के लिए हम हंसे तो पूरे घर का माहौल बदल जाता था। दिन भर में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, सिर्फ एक सवाल ने पूरा जीवन बदल दिया। इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी लाइफ इज गुड। तो ऊर्जा,
या आसपास का एटमॉस्फेयर ऊर्जा का चक्र बहुत मायने रखता है, ये बहुत मैटर करता है। आप जब भी कोई काम करने का डिसीजन लो, आप जब भी कोई एक्शन करना चाहो, आप जब भी कोई एक्टिविटी प्लान करना चाहो, आप जब भी कोई टूल प्रमोट करना चाहो, आप जब भी घर से बाहर निकलना चाहो, जब भी आप टीम से मिलने के लिए जाओ, तो आंखें बंद करना एक पल के लिए, अपने आप से पूछना कि ये जो मैं जा रहा हूँ, ये जाते समय, इसको प्रमोट करते समय, ये ऑर्गेनाइज करते समय मेरी नियति क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, और आपको स्वतः ही जवाब मिल जाएगा। ये जवाब आपके अंदर से आता है और जिस भाव से आप निकलेंगे उस भाव में आपको 1000% कामयाबी ये डिवाइन पावर आपको जरूर दिलाएगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फ्रेशर से लेकर डायमंड बनने तक और क्राउन एम्बेसडर बनने तक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मेरी ओर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।